Hello students, so we will continue our chapter control and coordination which we were studying about the plants. As I have told you in the previous video that plants have no nervous system and plants use only hormones for coordination. So first of all we will understand what is hormones. Okay, so hormones are the chemical substances which is secreted by a part from anybody, either in human beings, either in animals or either in plants, it doesn't matter. Chemical is a substance which is secreted by any specific part, okay, and then it diffuses to other parts and diffuses to other parts and then it helps in growth and development of the body. Development of body. Okay, इसका मतलब समझो कि hormones है क्या? Hormones एक chemical है जो कि secrete होता है कोई specific part पे होता है, वो animals का हो या plants का हो doesn't matter, पर कोई specific part पे होता है और वहां से वो secrete करता है. और ये किस चीज में help करता है? ये growth में help करता है और development में help करता है. इसके अलावा ये किसी चीज का growth और development को stop करने में भी help करता है, रोकने में भी help करता है. ये सारा कंट्रोल होता है. दिस ऑल थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स. इन सारे चीज को, चाहे वो ग्रोथ और डेवलपमेंट का होना हो या फिर उसका रुकना हो, इन सारे चीज को कंट्रोल करने का काम हार्मोन्स ही करता है. ठीक है, ये हार्मोन्स जो प्लांट में होता है, जो प्लांट में हार्मोन्स होता है उसको हम लोग कहते हैं फाइटो हार्मोन्स. क्या कहते हैं उसको स्टूडेंट्स? फाइटो हार्मोन्स. एक्चुअल में ये जो हार्मोन्स है इसको फाइटो हार्मोन्स दो कैटेगरी में बांटा गया है. एक तो पॉजिटिव हार्मोन्स कह सकते हैं हम लोग और एक निगेटिव हार्मोन्स कह सकते हैं. स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये जो हार्मोन्स पॉजिटिव हार्मोन्स है इसको हम लोग ग्रोथ प्रमोटर्स कह सकते हैं. ग्रोथ प्रमोटर्स कहने का मतलब वो हार्मोन्स जो कि ग्रोथ में हेल्प कर रहा हो, है ना, उसको कहते हैं ग्रोथ प्रमोटर. इसीलिए उसको हम पॉजिटिव हार्मोन्स के अंडर रखे हैं. अब निगेटिव हार्मोन्स कौन सा है? जो ग्रोथ इनहिबिटर्स है. ग्रोथ इनहिबिटर्स मतलब ग्रोथ को रोकने का काम करता है और या फिर हम लोग कह सकते हैं जो एजिंग में हेल्प कर रहा हो, जो बुढ़ापा लाने का काम कर रहा हो, वैसे हार्मोन्स को हम लोग ग्रोथ इनहिबिटर्स कहते हैं. स्टूडेंट्स, तो दो तरह का हार्मोन्स हम लोग जानते हैं, सभी में होते हैं. एक तो ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं और एक तो ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं. एक तो बढ़ने में मदद करते हैं, मतलब एक बेबी से यंग होना, फिर यंग से फिर और या और एडल्ट होना, उस मैच्योर होना, उसके बाद फिर बुढ़ापा की तरफ बढ़ते हैं, तब हम लोग का निगेटिव हार्मोन्स का काम शुरू होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लांट्स में जो पॉजिटिव या फिर ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं वो तीन होते हैं, ठीक है, और जो निगेटिव हार्मोन्स होते हैं वो दो होते हैं. तो सबसे पहला हम ग्रोथ प्रमोटर्स जानेंगे. सबसे पहला होता है ऑक्सिन, दूसरा होता है जिबरलिंस होता है, और तीसरा होता है साइटोकिनिन. तीसरा क्या होता है? साइटोकिनिन. स्टूडेंट्स, इसका कोई उपाय नहीं है, इसको याद रखो या फिर डायरेक्टली उसको एजीसी या सीजीए ऐसे कुछ करके नाम याद करके शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो. दैट इज ऑक्सिन, जिबरलिन एंड साइटोकिनिन. शॉर्ट फॉर्म हम ले लेते हैं, या तो एजीसी लो या सीजीए ले लो, जो तुमको आसान करने में याद रहे, है ना. अब आ जाता है निगेटिव हार्मोन. निगेटिव हार्मोन दो होते हैं. एक तो होता है एबेसिक एसिड और दूसरा होता है इथाइलिन.
स्टूडेंट, इथाइलिन कुछ नहीं, इथीन का ही एक रूप है, इथीन का ही एक फॉर्म है इथाइलिन। इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग सारा नाम जान लेते हैं। तो कितना होता है, पांच हार्मोन्स होता है प्लांट्स में। कितना हार्मोन्स होता है, पांच हार्मोन्स होता है। पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जिबरलिन्स, तीसरा है साइटोकॉनिन, ये ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं, और दो होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स, दैट इज एबेसिस और इथिलीन। ठीक है ना। अब सारा का फंक्शन हम एक एक करके जानेंगे कि किसका क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग जानते हैं ऑक्सिन का। ये ऑक्सिन कहाँ सेक्रेट होता है, ये हार्मोन ऑक्सिन जो है, ये सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कहाँ सेक्रेट होता है। तो इट इज प्रोड्यूस्ड एट द सूट एंड रूट टिप। ये कहाँ मेनली प्रेजेंट होता है, ये हार्मोन्स कहाँ प्रोड्यूस होता है, ऑक्सिन्स मेनली प्रोड्यूस होता है सूट मतलब प्लांट का जो ऊपर वाला भाग है, टिप, सूट का टिप मतलब जो प्लांट का सबसे ऊपर वाला स्टेम का जो टिप होता है, जहां से कि पेड़ ग्रो करता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है, वहां पर ये ऑक्सिन्स प्रेजेंट होता है ना। और यही पर जो है, यहीं से ये हार्मोन्स क्या करता है, एक्साइट करता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये मेनली हेल्प किस में करता है, सेल इनलार्जमेंट में मतलब यहाँ का जो सेल है उसको ग्रो करने में ये क्या करता है, मदद करता है, ये बढ़ाने का काम करता है, ये हार्मोन्स लंबा होने में, पेड़ को बड़ा होने में, लंबा होने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग ये जानेंगे कि ये जो ऑक्सिन है इसका एक हैबिट है। इसका हैबिट क्या है कि इसको शेड बहुत पसंद है, इसको शेड बहुत पसंद है, ये शेडी एरिया में रहना ज्यादा पसंद करता है। ठीक है, तो शेडी एरिया में चूंकि ज्यादा रहना, डिपॉजिट होना इसको ज्यादा पसंद है। तो होता क्या है कि अगर जैसे कि तुम एक पॉट लिए और उस पॉट में एक प्लांट को लगा दिए, और कहीं से भी जो है तुम्हारा सनलाइट सिर्फ एक डायरेक्शन से आ रहा है, तो ये प्लांट में क्या होगा, प्लांट में जो ऑक्सिन हार्मोन्स है वो इधर से अगर सनलाइट आ रहा है तो इस तरफ वो जमा नहीं आएगा, इस तरफ वो डिपॉजिट नहीं होगा, वो किस तरफ डिपॉजिट होगा, इस तरफ जिधर की सनलाइट नहीं आ रहा है। अब जिधर सनलाइट नहीं आ रहा है उधर अगर ऑक्सिन है तो इधर का सेल बढ़ने लगेगा, और सेल जब बढ़ने लगेगा तो इस साइड का क्या हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। पर चूंकि ऑक्सिन हार्मोन इस साइड नहीं था तो क्या ये बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। अब ये साइड बढ़ गया और ये साइड बढ़ा ही नहीं, तो प्लांट क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे होने के वजह से बेंड हो जाएगा, है ना। और यही जो है प्लांट क्या हो जाता है, सनलाइट की तरफ बेंड हो जाता है। क्यों बेंड हो जाता है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सिन जो है क्या हो जाता है, डिपॉजिटेड होने लगता है, कलेक्ट होने लगता है। क्यों कलेक्ट होने लगता है, क्योंकि ऑक्सिन का हैबिट है कि उसको शेड ही पसंद है, उसको सनलाइट नहीं पसंद है, इसी वजह से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही है इसका फंक्शन कि ये ग्रोथ में हेल्प करता है, सेल इनलार्जमेंट में हेल्प करता है। ठीक है ना। उसके अलावा ये कहाँ होगा, ये रूट के इनिशियल पार्ट में प्रेजेंट होता है, रूट के इनिशियल पार्ट में प्रेजेंट होता है, और उसी का ग्रोथ में ये हेल्प करता है। ठीक है ना। उसके अलावा ये किस में हेल्प करता है, इसके अलावा ये हेल्प करता है कि जो ग्रीन लीव्स है वो गिरे नहीं, वो जो लीव्स है वो टूट के गिर ना जाए, इसमें भी ये ऑक्सिन हार्मोन्स ही हेल्प करता है। ठीक है ना। और ये एपिकल डोमिनेंस है, एपिकल डोमिनेंस कहने का मतलब कि ये ज्यादातर कहाँ प्रेजेंट रहेगा, एट द टिप ऑफ सूट, एपिकल डोमिनेंस, इसी जगह पे सबसे ज्यादा ये डोमिनेंट है, इसी जगह पे ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, ताकि प्लांट क्या हो सके, ऊपर की तरफ ग्रो हो सके, है ना स्टूडेंट्स। तो यही है ऑक्सिन स्टूडेंट्स, ये मेन क्वेश्चन भी तुम्हारा इसी से आएगा कि व्हाई डज द प्लांट बेंड टुवर्ड्स द सनलाइट,
एंड और या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है विच हॉर्मोन्स हेल्प द प्लांट टू बेंड टुवर्ड्स द सनलाइट, है ना। तो ये क्वेश्चन मेन है स्टूडेंट, ये ऑक्सिन हार्मोन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सारा उतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा जो है क्या है, आ जाता है जिबरलिन, जिबरलिन हार्मोन्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखो, हम लोग यहाँ पर है कि पॉजिटिव हार्मोन्स मतलब ग्रोथ प्रमोटर्स में कौन कौन आता है, ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकिनिन। तो ये ग्रोथ प्रमोटर है, मतलब कि ऑक्सिन अगर ग्रोथ में हेल्प करता है तो जिबरलिन भी किस में हेल्प करेगा, ग्रोथ में ही हेल्प करेगा। तो इसका भी फंक्शन वही है कि ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। या फिर हम लोग कह सकते हैं सेल इनलार्जमेंट में हेल्प कर सकता है, बोथ सेम। जो ऑक्सिन का काम है वही लगभग सेम काम उसी का है ना। और ग्रोथ ऑफ स्टेम ये भी सेम चीज है, जैसे ग्रोथ ऑफ स्टेम ऑक्सिन में हो रहा था वैसे ग्रोथ ऑफ स्टेम इसमें भी हो रहा है ना। पर इसका जो मेन फंक्शन है स्टूडेंट्स, इसका जिबरलिन का जो मेन फंक्शन है, उसका मेन फंक्शन ये है कि ये ब्रेक करता है, ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी ऑफ सीड। ये क्या करता है, डॉर्मेंसी ऑफ सीड को या बर्ड के डॉर्मेंसी को ये क्या करता है, जगाता है, ओपन करता है, तोड़ता है। जैसे कि मान लेते हैं अब एक सीड तुम रखे, वो रखा हुआ है, जब तक रखा हुआ है जब तक कि उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है। पर जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन जाके इसको तुम सॉइल में डाल दोगे अपने गार्डन में, तो क्या हो जाएगा कि ये जिबरलिन हार्मोन्स एक्साइट करने लगेगा सीड को, एक्साइट करने लगेगा, कह रहे उठो उठो अब नींद तोड़ो अपना, अब तुमको क्या बनना है, प्लांट बनना है ना। तो यही जिबरलिन का काम है, यही जिबरलिन करता है, ये तोड़ता है, क्या तोड़ता है, डॉर्मेंसी ऑफ अ बर्ड और अ सीड, मतलब जो कली बंद रहता है। तो ये कली जो है बंद रहता है तो उसको ब्लूम करने के लिए, फ्लावर बनने के लिए भी, उसका कली का नींद तोड़ने के लिए भी यही जिबरलिन हार्मोन्स ही हेल्प करता है। कहता है भाई उठ जाओ अब तुम्हारा खिलने का समय ही हो गया, या उठ जाओ अब तुमको क्या करना है, एक प्लांट में ग्रो करना है। तो यही जिबरलिन का मेन फंक्शन है स्टूडेंट्स, मेन फंक्शन। ये सारा तो नॉर्मल है, ये तो ग्रोथ प्रमोटर से ये तो होगा ही होगा, पर मेन फंक्शन इसका यही है। उसके अलावा ये इसका मेन फंक्शन और क्या है, ये करता है इंक्रीज ऑफ नंबर एंड साइज ऑफ फ्रूट। मतलब किसी भी प्लांट में बहुत सारा, ये पहले जो शुरुआत में फल होता है तो कितना फल होता है, एक या दो होता है ना, साइज भी उतना बड़ा नहीं होता है। पर जैसे जैसे प्लांट और ज्यादा मेच्योर होता है उसमें और ज्यादा जो है नंबर ऑफ फ्लावर्स होता है, नंबर ऑफ फ्रूट्स होते हैं, साइज फ्रूट्स का बढ़ता है। तो ये सब किसके वजह से होता है, जिबरलिन्स के वजह से ही होता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। बस ये जिबरलिन्स का काम खत्म। अब नेक्स्ट आ जाता है साइटोकिनिन स्टूडेंट, साइटोकिनिन फिर देख लो, ये भी ग्रोथ प्रमोटर्स है, इसका भी जो है क्या होगा, फंक्शन सेम ही होगा, कोई अलग नहीं, ठीक है। सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, बस ग्रोथ प्रमोटर्स है, सेम काम होगा, है ना स्टूडेंट्स, सेम फंक्शन। बस अंतर इसमें सबसे बड़ा, इसका जो मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन है ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। ये जो स्टोमेटा होता है लीव्स का, उसको ओपन करने में मदद करता है ना, यही इसका मेन काम है। दूसरा इसका मेन काम क्या है, इसका दूसरा मेन काम क्या है कि इट सप्रेसेस द एपिकल ग्रोथ, द एपिकल ग्रोथ एंड प्रमोट्स द लेटरल और सेकेंडरी ग्रोथ। स्टूडेंट्स समझो इसको, अब जैसे कि अगर कोई प्लांट हम लगाए
तो ये सिर्फ लंबा ही होते जाए है ना, इसमें स्टेम सो हो ही नहीं, तो क्या उतना सारा फ्रूट्स होगा, उतना सारा फल लगेगा, जितना ज्यादा ब्रांचेस उतना ज्यादा उसमें लीव्स होगा, उतना ज्यादा वो फूड प्रिपेयर कर सकेगा, उतना ज्यादा वो फ्रूट ग्रो कर सकेगा, है ना, उतना ज्यादा फ्लावर्स ग्रो कर सकेगा, पर जितना कम नंबर होगा ब्रांचेस का उतना ही कम। अब ये लंबा ही होते गया, एक समय कैसा होगा कि ये पतला है, एकदम पतला सा, थिन एंड लिन थिन, और ये खाली लंबा ही होते जाएगा, तो लंबा ही होते जाएगा, तो ये इतना लंबाई बढ़ जाएगा कि वो झुक के गिर भी सकता है ना। तो ये क्या करता है साइटोकिनिन, कि ये एपिकल ग्रोथ जो रहता है इसको रोकने का काम करता है, इसको कहता है कि भाई अब तुम अपना लंबाई को रोको, ताकि क्या कर सके, तुम्हारा मोटाई को हम बढ़ा सके, ताकि तुम थोड़ा मोटा हो जाओ, ताकि तुम मजबूत हो सको, है ना। तो इसका एपिकल ग्रोथ को तो ये सप्रेस कर देता है और प्रमोट करता है किसको, लैटरल ग्रोथ को, और सेकेंडरी ग्रोथ को, मतलब ब्रांचेस को ग्रो होने देता है। यही ई साइटोकिनिन का काम है। दूसरा क्या काम है, फिर इसका भी वही काम है, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बर्ड, सेम काम, ये भी पॉजिटिव है हॉर्मोन्स। अब आ जाते हैं निगेटिव हॉर्मोन्स, जो कि ग्रोथ इनहिबिटर्स है। ग्रोथ इनहिबिटर्स में आता है क्या क्या आता है, एबेसिस को हम लोग स्ट्रेस भी कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, इसका नाम स्ट्रेस हार्मोन्स भी है स्टूडेंट्स। ये डोरमेंसी प्रमोट करता है स्टूडेंट्स, कहने का मतलब जब सीड होता है तो सीड को बोलता है कि भाई अभी तुम सो जाओ, या फिर अभी तुम सोए रहो, अभी तुमको जागने का काम नहीं है, अभी तुमको प्लांट नहीं बनना है। तो ये सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचा करके रखने के लिए, कि नेक्स्ट सीजन जब आए तो फिर से वो प्लांट ग्रो हो सके, तो उसके लिए सोलाने का काम करता है, ये हार्मोन सोलाने का काम करता है, डोरमेंट करने में हेल्प करता है, प्रमोट, ठीक है ना। इसका दूसरा काम है प्रमोट्स क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा ओपन करने में कौन हेल्प कर रहा था, साइटोकिनिन। यहाँ क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कौन कर रहा है काम, स्टूडेंट्स, एबेसिस, है ना। उसके अलावा एजिंग में भी मदद करता है, मतलब पत्ता जो है, पत्ता को बूढ़ा करने का काम कर सकते हो, कि भाई अब तुम्हारा टाइम हो गया खत्म, अब तुम बूढ़ा हो जाओ, उसका काम करता है एबेसिस हॉर्मोन्स, है ना। उसके बाद फॉलिंग ऑफ लीव्स, मतलब पत्ता का गिरना पेड़ से, अब तुम बूढ़े हो गए, अब तुम जाओ मरो, जाओ गिर जाओ, यही काम करता है एबेसिस हॉर्मोन, स्टूडेंट्स, यही काम करता है एबेसिस। और जैसे जैसे हम लोग बूढ़े हो जाते हैं तो हम लोग में स्ट्रेस आने लगता है ना, अरे ये दर्द वो दर्द, ये स्ट्रेस वो बीमारी, ठीक उसी तरह से एबेसिस का भी वही काम है, और इसीलिए इसको हम लोग स्ट्रेस हॉर्मोन्स का भी नाम दिए है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आ जाता है इथाइलिन, स्टूडेंट, इसका सबसे मेन काम है राइपनिंग ऑफ फूड। फूड जो फ्रूट रहता है वो फ्रूट का पकना, फ्रूट जो पकता है, पकने का काम में मदद करता है यही इथाइलिन हार्मोन। दूसरा इसका क्या काम है, येलोइंग ऑफ लीव्स, जो पत्ता बूढ़ा हो गया तो उसका जो है कलर क्या होने लगता है, पीला, जैसे हम लोग बूढ़े होने लगता है, बाल पकने लगता है ना, उसी तरह से पत्ता लोग जब पक जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उसका पत्ता पीला पड़ने लगता है, वो इसी हार्मोन के वजह से होता है, ठीक है। और जो सेल डिवीजन होता है या सेल इनलार्जमेंट होता है, इन सारे को वो प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट्स सेल इलोंगेशन मतलब या सेल इनलार्जमेंट, ये सारा जो है क्या करता है, बंद करता है ना। तो यही है इथाइलिन हार्मोन्स। ओके स्टूडेंट्स, सो फिनिश्ड ऑल हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स ऑल फिनिश्ड।